भारत की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है, 142.86 करोड़ भारत की आबादी। चीन की आबादी 142.57 करोड़ और अमेरिका की 34 करोड़, जबकि इंडोनेशिया की 27.7 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़। क्यों बढ़ रही है आबादी? भारत में नवजात शिशु और बाल मृत्यु दर गिरी है। 2012 में 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की दर 42,000 थी, जो 2020 में घटकर 28,000 रह गई। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की दर भी 52 से घटकर 32 रह गई है। कामकाजी आबादी में आ गई, 68% आबादी भारत की कामकाजी है। 2011 में 10 से 24 आयु वर्ग के 36.5 करोड़ लोग थे, जो 2023 में 37.9 करोड़ होने का अनुमान है। 26% युवा हैं। भारत की कुल जनसंख्या में 2011 में ये कुल आबादी 30% थी। फर्टिलिटी रेट 2% है। भारत में बच्चा जन्म की दर 1980 के बाद इसमें गिरावट देखी गई है, वहीं चीन में यह 1.2 है। 78 देशों की आबादी, जितने बच्चे हर साल जन्मे, 2.5 करोड़ बच्चे हर साल भारत में जन्म लेते हैं, यह 78 देशों की आबादी के बराबर है। 95 लाख बच्चे ही हर साल जन्म ले रहे हैं। चीन में 2021 की तुलना में ये 10% कम थे। केरल और पंजाब को माइग्रेशन बढ़ेगा। औसत आयु, चीन की औसत आयु 76 वर्ष है, जबकि भारत की 71 वर्ष है।